So, good afternoon, everyone. Here we go. So, sir, starting with your journey, sir. Everyone knows you. Everyone knows how much you have done to the nation and to the society, sir. Starting with your own journey, sir. So, sir, how was your journey, sir? And what kind of student you were, sir, in your school time and your graduation time? Sure. As a student, I was a average student, I would say, above average. But I was overall very active. Overall active, when I say I used to participate in sports, extracurricular activities, जहाँ मौका लगता था वहाँ मैं पक्का हाथ डालता था। गेम्स में स्पोर्ट्स में तैयारी नहीं भी हुई, लास्ट में कोई नहीं आया तो मैं अपना वॉलंटियर कर देता। मैं सर अगर नहीं आ रहा तो देन आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट एंड जीत भी जाता था। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ में फिजिकल्स में पक्का अपना ध्यान रखा, गेम्स स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। एंड इनिशियली आई वॉज एक्सट्रीमली शाय, किसी तरह के कोई भी मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था, नेवर एवर। स्टेज फियर एक बड़ा इशू था जो मतलब SSB तक था। ऐसा लगता था किसी ने डेथ सेंटेंस दे दिया है, स्टेज पे आना पड़ गया। तो मतलब आई यूज टू कंसिडर डेथ सेंटेंस हैज बीन अवॉर्डेड टू बैडवान, गया तो काम से। सो वो बहुत था, फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था तो आई रिमेम्बर आई बिकम ए डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। किसी ने बुद्धा का रोल प्ले किया था, मैं पीछे लोटा पकड़ के खड़ा हुआ था। आई स्टूड देयर फॉर 5 मिनट्स एंड आई आस्क्ड माय हाउ वाज माय परफॉर्मेंस। मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला था यार, आई नो आई वाज सो शाय। फिर उसके बाद मैं क्लास 11th में, फिर मैं हौसला बढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं बना एंड उसमें प्लास्टर पेरिस लगा के स्टैचू बना था, इमेजिन। सो दैट इज व्हाट वाज माय जर्नी। बट यस, धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया दायरा एंड बहुत मेहनत करी। पढ़ाई को और खेल कूद को, दोनों को अगर कोकुलर एक्टिविटी सबको साइड में रख दूं तो एक चीज है जिसमें मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि आई वाज ऑन द टॉप एंड दैट वाज माय कंडक्ट। व्हेन इट केम टू माय टीचर्स, तो नंबर्स, स्टडीज, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग वाज सेकेंडरी। बट इन टर्म्स ऑफ माय बिहेवियर एंड कंडक्ट, ऑल माय टीचर्स दे वुड वाउच फॉर मी कि यस, इसका कंडक्ट है जो इज टू गुड, वेदर इट इज विद द एल्डर्स, वेदर इट इज विद द टीचर्स और विद द गर्ल्स इन द क्लास, एनीवेयर। ऑन माय कंडक्ट वाज नंबर वन, दैट गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन आई लुक बैक। ठीक है, सो जर्नी अभी लाइक एनी अदर दिस थिंग। एंड मैं अभी लोगों को बताता हूँ, एवरेज इज गुड। 90% लोग ना दुनिया में एवरेज ही होते हैं, बट नॉट एन इश्यू। अगर आप थोड़ी मेहनत करो तो एटलीस्ट वन कैन मेक ए सिंसियर एंडेवर टू बी द बेस्ट, एटलीस्ट टूवर्ड्स द एवरेज व्हिच इज 90% ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, मे बी मोर। सो जर्नी हैज बीन लाइक एनी अदर नॉर्मल स्टूडेंट यार, इट हैज बीन गुड। अच्छा, जैसा अभी आपने मेंशन किया कि यू आर अ एवरेज स्टूडेंट, सो सर, यस, व्हाट डज इट टेक एंड हाउ कुड यू मैनेज टू बिकम लाइक SSB, लाइक दिस थिंग दैट यू गॉट रिकमेंडेड? यू इम्प्रूव्ड योर पर्सनैलिटी, यू हैव इम्प्रूव्ड एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, ओके, सो शौर्य, बड़ी सिंपल सी चीज है यार, है ना। देखो, मैं हमेशा बताता हूँ, आई हैव टोल्ड, तूने भी शायद सुना होगा मेरे मुंह से, मैं हमेशा बोलता हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, दोज़ हू कम टू मी, कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू बिकम मिस्टर परफेक्ट, यू नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू बिकम मिस परफेक्ट इधर। अगर आप परफेक्ट ही बन जाओगे तो देयर इज नो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन योर पर्सनालिटी। बट इफ यू आर एवरेज, यू नो, देयर इज अ कांस्टेंट, यू नो, एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इटसेल्फ इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस, नो, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। 5 दिन के हिसाब से मैंने कभी तैयारी नहीं करी एंड दिस इज व्हाट आई प्रोमल्गेट इन द एनवायरमेंट टू माय स्टूडेंट्स एज वेल, कि 5 दिन के लिए अगर SSB की तैयारी करनी है देन डोंट प्लीज नॉक माय डोर। इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइफ देन कम टू मी, यू आर मोर देन वेलकम विद ओपन आर्म्स। प्रॉब्लम ये है कि अभी आज की तारीख में मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ ज्यादातर, कि सर मैंने SSB दिया था, मैं स्क्रीन आउट हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, सर मैं रिपीटर हूँ, मैं फेलियर हूँ, सर मेरा हुआ नहीं, सर अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट डू इट, या मेरा हो नहीं पाया। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज वर्ड्स। मैं कहता हूँ कहने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करो। जहाँ पे आप ये बोलते हो सर आई एम रिपीटर और आई कुड नॉट डू इट, यू से सर ट्वाइस आई हैव क्रैक्ड स्क्रीनिंग इन प्रोसीजर सक्सेसफुली, हाउएवर बियॉन्ड अपना कॉन्फिडेंस यू नो आई कुड नॉट मूव, बट यस आई गेन्ड एक्सपीरियंस इन द रियल टाइम एनवायरमेंट, एक माहौल के अंदर, एंड माई कॉन्फिडेंस इज गॉन अप सर। मैं काफी कुछ सीखा सर, इस बार मैं झंडे गाड़ दूंगा, बट ऐसा अभी तक मुझे कोई टकराया नहीं है। सबको लगता है कि यार एक मेरे को रिजेक्शन का सर्टिफिकेट पकड़ा रखा है, और मैं बार बार बताता हूँ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन इज इन योर हैंड। अभी आपका FT का एग्जाम आने वाला है, नो SSB बोर्ड, इवन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कैन मेक ए डिफरेंस। बैटल इज योर्स, यू आर द सोल्जर, वेपन आपके हाथ में है, बैठ जाओ, 3 घंटे ऐसे से पेपर दो, एज मच एज यू स्कोर यू विल गो दैट मच हाई इन द मैरिट एंड इट इज गोइंग टू एड ऑन इन द फाइनल मैरिट। ठीक है,
सो मैंने जब एसएसबी की तैयारी की थी बीइंग एवरेज स्टूडेंट, मुझे पता था कि व्हाई आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, बट ओवरऑल पैकेज जब देखता हूं तो मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर देखता था। अभी मैं देखता हूं स्टूडेंट कहता है सर पढ़ाई में मेरे नंबर कम थे बिकॉज सर आई वॉज प्लेइंग स्पोर्ट्स, सर आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट टू मेनी एक्टिविटीज, दे टेक इट एज जस्टिफिकेशन, आई यूज टू टेक प्राइड, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। अभी जहां वो बोलते सर पढ़ाई इसलिए नंबर कम आए हैं बिकॉज मैं खेल कूद में था, मैं कहता था सर आई वॉज एवरेज स्टूडेंट बट पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू से दोज मेरे रिपोर्ट्स। अभी तक मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट देखा है जिसने अपने एसडीटी में लिखा था कि सर आई एम एवरेज स्टूडेंट, अदरवाइज आई एम डिसिप्लिन, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला। सो एवरेज होना कोई गुनाह नहीं है, यू नो आई टुक प्राइड इन बीइंग एन एवरेज, बट एट द सेम टाइम आई न्यू कि व्हाइल आई एम एन एवरेज स्टूडेंट बट आई एम गुड ओवरऑल प्रोडक्ट, आई एम रियली गुड, आई एम गुड, आई एम सीन ऑन द ग्राउंड ऑल्सो व्हेन पीपल आर प्लेइंग, आई एम रबिंग शोल्डर अगेंस्ट माई काउंटर पेयर्स, व्हेन देयर इज सम पार्टिसिपेशन वेयर आई कैन परफॉर्म आई वॉज ऑलवेज देयर, जहां की मदद चाहिए थी टीम के तौर पे आई यूज टू वॉलंटियर रादर देन बीइंग डिटेल कि मैं सर मैं आ जाता हूं मैं कर देता हूं। सो मैंने प्राइड लिया एंड आई ऑलवेज इंश्योर्ड बैलेंस बिटवीन माय स्टडीज एंड अदर एरियाज, वेदर इट वाज सम काइंड ऑफ कंपटीशन और स्पोर्ट्स ऑन द ग्राउंड और इन द एकेडमिक्स, रादर देन 98 नंबर सिर्फ पढ़ाई ले लिया बाकी जगह कुछ नहीं आता, यू नो। सो सबका अपना अपना नजरिया देखने का, माय फोकस वाज कि ना ओवरऑल आई शुड बी एक अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए जहां फिजिकली मजबूत हूं, बोलने में मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा डर लग रहा है लेकिन थोड़ा अपने कंट्रोल करूंगा डर के ऊपर, 3 मिनट अच्छे से बोलना है, ठीक है, इंटरव्यू में पूरी ईमानदारी से बोलना है, इंटेलिजेंट आदमी है 99% तो लेकर के आया 12th में, है ना, ग्रेजुएशन में, बट वहां जब इंटरव्यू में पूछता है तो ये फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, आई वाज बोल्ड, आई कुड से मैं सर मुझे नहीं पता ये चीज, आई डोंट नो, सो आई वॉज रिलाइंग मोर ऑन माई गट फीलिंग एंड आई वेंट विद वॉट आई वॉज रादर देन, मैंने कभी सोशली डिजायरेबल आंसर्स नहीं दिए, मैंने कभी प्रेटेंड करने की कोशिश नहीं करी वॉट आई could be, I always projected and presented myself as I was, plus minus के साथ में मैं जैसा था मैंने वैसा दिखाया लोगों को, मैं सब ऐसा हूँ, मैं आता नहीं है लेकिन जल्दी सीख जाता हूँ, मैं गुड लर्नर सर, अब सिखाओगे मैं सीख जाऊंगा, तो दूसरे को विश्वास भी होता है कि यार चलो मान रहा है बंदा और कह भी रहा है मैं सीख जाऊंगा, यू नो। सो इसी तरह से तैयारी की थी एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट फर्स्ट टाइम फॉर शो एंड डन, एंड कभी कॉन्शियस होकर काम नहीं किया। वन मोर थिंग सर, मेरा हो जाएगा क्या, मुझसे पूछते हैं लोग ना, मैंने नहीं हो पाएगा, एनी पर्सन हु इज वर्किंग विद सेल्फ डाउट यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट, ही से सर मैं तो मोरल बढ़ाने आया था आपने डीमोटिवेट कर दिया, मैं आई स्पीक द ट्रुथ, जो आदमी खुद सेल्फ डाउट में है कह रहा सर मेरा हो जाएगा, मैं योर क्वेश्चन है ना इज विद अ क्वेश्चन मार्क, जब खुद सेल्फ डाउट में है तो मैं क्यों भरोसा करूं जब आपको खुद पर भरोसा नहीं अपने ऊपर। अब दूसरा कैंडिडेट आता है वो कहता है सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती और मेरा ये थोड़ा वीक है लेकिन सर मैं बहुत मेहनत करूंगा सर आप जैसे सिखाएंगे, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस आता है गुड इसको मैं पॉलिश करके रॉकेट बना दूंगा इसको। Not only students, parents also ask me. कल की बात है, parents दिस है कि सर वो एक बार बच्चे को आपके पास लेके आएंगे, आप थोड़ा उसको जज करना। मैंने कहा जज कराना है तो आप किसी और अकेडमी में चले जाइए, आई डोंट जज पीपल, यू नो आई ट्रेन देम, और मैं जज करने की आपको क्यों जरूरत है तीसरे आदमी को, मैं 20-21 साल से आपका बच्चा है आपके पास में, आपको मालूम नहीं है कैसा है इसे नहीं, बट फिर भी वो SSB में थोड़ा, मैं SSB में कोई अलग से दूरबीन लगा के नहीं देखते, ठीक है, 21 साल में जो आपने देखा है आपका बच्चा वैसा ही है, सुबह नहीं उठता टाइम पे तो दिल है, पढ़ाई लिखाई मन से नहीं करता तो वो ठीक है, उसमें SSB जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बता दो भाई साहब आपका ना रियलिटी चेक ये है, लेकिन आप बताओगे नहीं उसे, है ना, ना वो कभी आपसे पूछेगा। इफ यू आर आस्किंग मी एज अ पेरेंट यू आर आस्किंग मी रॉन्ग क्वेश्चन, आप मुझे ये बता सकते हो कि सर ये पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जहिंद है, खेल कूद में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं लेता, दोस्त वोस्त भी इसके कमी है, घर से बाहर निकलता नहीं है, टीवी और स्क्रीन में पूरा टाइम लगाता है, 8-8 घंटे मोबाइल में लगता है, आप मुझे इसका पूरा फीडबैक दे दो, बाकी उसके बाद में आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तब भी जिम्मेदारी ले लूंगा, बट इफ यू आस्क मी सर इसकी थोड़ी असेसमेंट दे दो, मैं नो, एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हियर दे डू असेसमेंट दीस डेज ना, और मैं समझाता हूँ और जिसको समझ में नहीं आती कि लोग होते हैं कि सर वो मैंने असेसमेंट कराया था, उन्होंने 5,000 रुपीज दिए और मेरा असेसमेंट दिया है, मैं असेसमेंट देना आसान काम है बट किसी आदमी को ट्रेन करना और उसको सही ट्रैक पे लाना उसमें जोर लगता है, आप 5,000 रुपये मुझे दे दो मैं उससे ज्यादा अच्छा आपको फीडबैक दे दूंगा, बट उससे फायदा क्या होगा आपको। Till date, I had never done assessment to anyone. People are ready to pay, but I find it is unethical. जो आदमी आपको जानता नहीं है, just because he has been part of some SSB board, है ना, वो same template वो बताता है, यो sentences are like this, इसमें थोड़ा improvement की ज़रूरत है. Stories are more generic and more innovative ideas are required. इसमें तो LQ की कमी पाई गई है, ये ऐसे करना है. Everyone is telling very how to do, but not even single person is telling what to do. They always say what, how to do. वर्ड्स आएंगे ऐसे लिखना, सिचुएशन आएंगी ऐसे हैंडल करना, बट दे डोंट टेल व्हाट टू डू, मैं उनको बताता ही नहीं हूं, मैं दिमाग तुम्हारा है आप ही एक्सरसाइज करोगे,
मैं आप सिचुएशन दूंगा, एक ही पिक्चर पे तीन तरह की स्टोरीज लिखाऊंगा, यू शुड नो व्हाट टू डू, कैसे करना है वो आना चाहिए, अगर वो उतना आता है तो फिर तो कैसे भी सिचुएशन आप हैंडल कर लोगे। सो कॉन्शियस होकर के कभी काम नहीं करा यार, एंड सीखने की कोशिश करी, कॉन्शियस होकर के सेल्फ डाउट के साथ में काम नहीं करना चाहिए, है ना, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड दिस इज व्हाट आई टीच। I got a question, sir, that Tanishka has asked this question. The demand of the UPSC interview are a bit different. What things we can do in our daily life to be the best suited person for the exam or personality wise, sir? Okay, there is a glitch. Am I audible, sir? Am I audible? Hello. Hello. Shaurya, I think I lost it. What I heard was Tanishka is asking. Right, sir. So her question is, sir, the demand of the UPSC interview are a bit different. What things we can do in our daily life to be the best suited person for the same personality wise, sir? Okay, demand hai na kisi bhi interview for the better. I can see you on the screen first of all, hai na? See, demand kisi ki kaisi bhi ho, main hamesha batata hu ki jaise log bolte hain sir SSB mein wo kya dekhte hain, isi tarah se sir UPSC mein wo kya check karte hain, dusre ki demand chahe jaisi bhi ho, aapko hamesha wo dikhana chahiye jo aapka perception hai ki yes सिविल सर्विसेज कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए। इफ यू आस्क मी कैसा होना चाहिए, कोई भी इंटरव्यू फॉर दैट मैटर, है ना, वेदर इट इज इन द कॉर्पोरेट, वेदर इट इज इन द यूपीएससी, एंड बेसिक जो नॉर्म्स है ना वो सेम होते हैं हर जगह। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू यू शुड बी वेल टर्नड आउट, यू नो, यू शुड लुक ग्रेसफुल, वेदर यू आर कैरिंग योरसेल्फ इन अ सारी, यू आर वेयरिंग ए सलवार सूट और वेयरिंग ए कॉर्पोरेट टाइप ऑफ फॉर्मल लॉन्ग सूट ऑब्लिक कॉम्बिनेशन, आप कुछ भी पहन रहे हैं, इट शुड बी इंपेक्कल बेयरिंग, है ना, आपकी फिजिकल फिटनेस और आपके कपड़े पहनने का तरीका, बैठने का तरीका शुड speak volumes about you. लगना चाहिए चार कदम अंदर चल के जाए, द मोमेंट यू से जैन सर गुड मॉर्निंग सर, उतने में लगना चाहिए कि यस ये एक आया चलता कॉन्फिडेंस हो गया, यू नो, 10 का 15 आते हैं एक स्माइलिंग डेमिनर के साथ में से मॉर्निंग सर, उतने पता लगता है, एक आदमी आता है डरा डरा मॉर्निंग सर, तो उतने पता लग जाता है कि भाई ये है ना कैंडिडेट मजबूत नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हाउ यू कैरी योर सेल्फ, ठीक है, द वे द फिजिकल फिटनेस, द ओवरऑल बेयरिंग एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ, द अटैच I think, sir, you have some network issue. Am I audible? Sure. No, sir, we lost you in between, sir. We lost you in between. Abhi aa rahi hai awaaz? Abhi aa rahi hai, sir. Perfect. Bilkul. Okay. So, second thing I said is communication. Communication is an important tool, very important tool. Services ki taiyari कर रहे हैं, आप एक एजुकेशन किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में गए, आपने तैयारी करी, आपके साथ में 100 लोगों ने करी, बट यू नो सिखाई सभी को एक तरीके से गई थी सभी चीजें, बट जब आप ग्राउंड पे जाते हैं यू डिलीवर योर कंटेंट, दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन कम इनटू प्ले, आपको जो सिखाया गया अगर आप उस बात को अच्छे से मजबूती से नहीं रख सकते सामने, देन इट इज नो पॉइंट। सो भाषा पे पकड़ होना बहुत ही निहायत जरूरी है, अगर आपकी भाषा पे पकड़ मजबूती है तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मजा आता है, कम्युनिकेशन गिव्स यू हेल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और यूपीएससी में तो एक बहुत अच्छी रियायत है आपके पास में, आप हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश किसी भी बात कर सकते हैं, आई हैव सीन पर्सनली इंटरव्यूज ऑफ सो मेनी कैंडिडेट जो हिंदी में बात करते हैं, स्पेशली ना दोज हू कम फ्रॉम बिहार यूपी और कई जगह हरियाणा राजस्थान से भी, और वो इतने अच्छे से सहज भाव से अपनी बात को रखते हैं, उनकी बात में बड़ा ठहराव दिखाई देता है, लगता है कि गुड यार ये बंदा कितने अच्छे से बात कर रहा है, अदरवाइज क्या नॉलेज कितना भी हो लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अगर कमजोर हैं तो आदमी अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वहां पे दे लूज They are on a loose wicket. So second thing is communication. बहुत जरूरी है. Third thing is knowledge base. Confidence और communication भी तभी काम आएगा जब उस चीज का knowledge होगा. अब knowledge के साथ में one important factor is आपको पता होना चाहिए आपने क्या बोलना है, कितना बोलना है. And most important thing is where to stop. अगर एक particular topic पे पूछा है, आपने exam में देखा होगा कई बार subjective questions आते हैं तो कोई question 5 number का होता है, कोई 10 नंबर का होता है, कोई 15 नंबर का, कोई 35 नंबर का,
जो समझदार आदमी है वो 5 नंबर वाले में 5 नंबर तक का ही कंटेंट लिखता है, और 35 नंबर या 50 नंबर का होता है तो उसमें उतना ही लिखता है। उसमें एक डायग्राम भी बनाएगा, डेफिनेशन भी देगा, एग्जाम्पल भी लिखेगा, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इम्प्लीकेशंस, आखिरी में कंक्लूजन, ठीक है, काफी सारी चीजें देता है। सो इन इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड, है ना, नॉलेज पे मजबूत पकड़ होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिविल सर्विसेज में है और फॉर दैट मैटर एनी इंटरव्यू, डोमेन स्पेशलिस्ट होना चाहिए आपको, तो उस पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाएगा, बहुत अच्छे से बात रखेंगे, एंड एट द सेम टाइम यू शुड नो एग्जैक्टली वे टू स्टॉप। इस क्वेश्चन का इतना जवाब बनता है। एंड एक और नॉर्मल चीज है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, पीपल जनरली लैंड अप इन अ सिचुएशन वेयर रादर देन आंसरिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड, दे लैंड अप इन अ सिचुएशन एंड दे टेल व्हाट दे नो, देयर इज अ डिफरेंस। आपसे जो पूछा गया है उसका जवाब देना है, ना कि वो बताना है जो आपको पता है। लोगों को जब सवाल पूछो समझ में नहीं आता तो वो जो पता होता है वो बता देते हैं, लेकिन नहीं, जो पूछा गया है वो बताना है, तो दोनों में फर्क है। So one is your bearing, second is domain knowledge specialist, और तीसरा confidence। ये तीन चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। सबसे important three things, if you ask me, these are the three things I consider for any interview. Rest, one मूल मंत्र basic which I follow, अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता है, the best answer is, sir, I don't know. But very rare I come across a candidate जो उसमें guts होते हैं, जो कहता है, sir, I don't know, but I will find out the answer once I go outside. ठीक है, वो कहते हैं सर एक्चुअली सर आई फॉरगॉट, सर आई हैव रेड बट आई एम नॉट रिमेंबरिंग एट द मोमेंट, आप जो भी बोलिए बट फैक्ट स्टिल रिमेंस अनचेंज्ड, यू डोंट नो द आंसर, एक्सेप्ट इट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी गूगल और इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो एक आधी चीज है, उसको रादर देन बीटिंग अराउंड द बुश वन शुड एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड, उसमें दिक्कत कम हो जाती है। हो सकता है आपको थोड़ा ट्रिगर भी किया जाए कि यार आप तैयारी करके नहीं आए हो, है ना, यू आर सपोज टू नो दिस, दिस वेरी बेसिक थिंग एंड स्टिल यू हैव बीन नॉट वांटिंग, कोई बात नहीं। It is just only one question. That one question or answer is not going to decide somebody's fate. It is overall performance. Okay. And yeah. Next, sir, how to improve communication skills, and most important, sir, how to get command over the language, whether it is English or some other language. यार ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है बार बार मेरे पास में ना, different forums को फोन करके पूछता है, मैं कहता हूँ हर आदमी को ना एक पर्सनल आंसर चाहिए उसके लिए, इसे मुझे अलग से बताओ। यार भाषा जो भी हो, मैं बार बार बोलता हूँ, डिफरेंट फोरम, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, जर्मन, फ्रेंच, एनी लैंग्वेज, भाषा सीखने के लिए सिर्फ 3 चीजें हैं जो चाहिए, एक लिखना, दूसरा पढ़ना और तीसरा बोलना। तीनों काम आपने करने हैं, कितना मुश्किल हो सकता है, आप दिन भर बोलते हो अपनी भाषा में, अपनी कन्वेंस से, कोई अच्छी बातें करता है, कोई गालियां देता है, कोई फालतू की बात करता है, कोई काम की बात करता है, बट बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीबडी कैन स्पीक, पर 4 लोगों के बीच में खड़ा करने के लिए बाद में बोला जाए या ग्रुप डिस्कशन में, तो आदमी नहीं बोल पाता है। ठीक है, 3 चीजें ये लैंग्वेज कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए, लिखना, पढ़ना, बोलना, पहली बात तो ये है। अब मैं इन तीनों का वो बताता हूं। लिखना, लिखने के लिए क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं लैंग्वेज पे जब बात आती है, वेदर लैंग्वेज 2 तरह की होती है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल में आप उसे बोलेंगे, ठीक है, और दूसरा होती है रिटन, जिसमें आप हाथ लिख करके बताएंगे, ये 2 चीजें आती हैं, चाहे वो रिटन एग्जाम में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। एंड जब पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे बात आती है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड। अगर मैंने एक लेटर लिखना है, एक ऑफिशियल लेटर लिखना है एक अहदेदार को, या एक लव लेटर लिखना है अपने पार्टनर को, दोनों चीजें मैं अलग तरीके से लिखूंगा, शौर्य यू विल राइट, है ना, अलग तरीके से, कुशाल अलग तरीके से लिखेगा, मोहम्मद अलग तरीके से लिखेगा, और माधव अलग तरीके से लिखेगा, है ना, हर एक का अपना तरीका है। कोई स्लैंग्स ज्यादा यूज करेगा, कोई थोड़ा फिलोसफिकल टच देगा, है ना, कोई फैक्शन फेस पर बात करेगा। सो जो एक पावर ऑफ एक्सप्रेशन है ना, ये चाहे वर्बल हो चाहे राइटिंग में हो, इट इज हाईली पर्सनलाइज्ड। क्यों, आप बचपन से एक तरीके से लिखते आ रहे हो आंसर्स, है ना, मैडम दिखाती है कि वो इसने कितना आंसर लिखा है, दैट्स व्हाई ही स्कोर्ड 30 out of 30, इसने थोड़ा कमजोर लिखा है, दैट्स व्हाई, है ना, ही गॉट 20, इसने कितना खराब लिखा है, दैट्स व्हाई ही गॉट ओनली 5। सो यू हैव सीन ऑल दोज शेड्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई पॉइंट कि राइटिंग इज वेरी पर्सनल इन नेचर, लिखने का और अपना बोलने का तरीका बहुत पर्सनलाइज होता है। तो जब लिखने पे बात आती है, फर्स्ट थिंग आई सजेस्ट एवरीवन, व्हिच आई इंश्योर दैट माय कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे डू व्हेन दे आर विद मी, कि यू शुड राइट एटलीस्ट 1 to 1.5 pages ऑफ राइटिंग इन डेली राइटिंग, है ना, आपको डेली जर्नल लिखना चाहिए। उससे क्या होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका ना हाथ खुल जाएगा, आपका सोचने का स्पीड, है ना, महसूस करने की स्पीड और लिखने की स्पीड, है ना, एक अलाइनमेंट में आ जाएगी और आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे।
24 घंटे में जो आपने महसूस किया, जो सीखा, जो गलती करी, जो कुछ करना चाहते हो, और समथिंग विच केम अक्रॉस योर वे, है ना, यू जस्ट पेन इट डाउन इन वन एंड हाफ पेज. इमेजिन 24 घंटे को डेढ़ पेज में रिकॉर्ड कर देना. अरे यू कैन बी ए वेरी क्लासिकल ऑथर इन डेज टू कम. मैं हर एक से करवाता हूँ. सिमर, हाँ जी पुत्र, स्माइल. मैंने लिखवाया तुम लोगों से सिमर हर रोज. यस सर. हाँ सिमर, इज इट इफेक्टिव? डज इट हेल्प? वेरी इफेक्टिव सर. ठीक है, तो मैं लिखवाता हूँ हर एक से. आपको डायरी के डेढ़ पेज लिखने चाहिए. उसमें क्या, कोई आपको ऑब्लिगेशन नहीं है कि कोई आदमी चेक करेगा, टीचर की तरह उसमें नंबर देगा, नहीं मिलने वाले. कोई आपके यहाँ ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग मिस्टेक पे गोले बना देगा, नहीं होने वाला. यू आर द ऑडिटर, आपने खुद ने चेक करना है. लेकिन आपको तसली रहेगी कि मैंने एक्सप्रेस किया अपने आपको खुल करके. उसमें पर्सनल, इमोशनल, है ना, जो आपने डेटा डालना है आप डाल सकते हो. वंस यू मेक दिस हैबिट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज वन कैन डू बिफोर यू स्लीप. अगर काम भी किया तो आपको उसमें किया. आई वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम टुडे, आई हैव नॉट बीन ऑनेस्ट एंड सिंसियर टुवर्ड मायसेल्फ. आई नीड टू पुल अप माय सॉक्स एंड वर्क हार्डर टुमारो ऑनवर्ड्स, यू नो, करनी है मेहनत. अब लिखो, देखो कैसे चेंज होता है माइंडसेट आपका. ठीक है, एंड मैं ये 21 दिन एक्सरसाइज कराता हूँ व्हेन दे आर विद मी, एंड बाय द टाइम दे लीव तो मेरे पास इतने सारे लेटर्स होते हैं ना. सेकंड थिंग इज यू मस्ट डू इज लेटर राइटिंग. सिमर, आई हैव योर लेटर एज वेल विद मी, है ना, सबके लेटर्स पड़े हैं मेरे पास में. जहां जाता हूँ इतने सारे लेटर्स हैं, मैं बैग में कैरी करके घूम रहा हूँ इन डिफरेंट शेप, साइजेस, कलर्स, है ना. हर बंदे ने अलग तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है अपने आप को, एवरी बॉय एंड गर्ल. एंड उससे मेरे को बड़ी इनसाइट मिलती है कि अच्छा कौन किस लेवल पे पहुंचा. सिर्फ तूने भी लास्ट देखा, जाने पहले पूछा सर मेरा लेटर पढ़ लिया? पढ़ लिया पुत्र जी. ओके, सो वन इज डायरी राइटिंग यू मस्ट डू. सेकेंड इज आपको जो मैंने बताया लेटर. आई नो व्हाट्सएप है, सब कुछ है आज की तारीख में, बट स्टिल यार इट हैज गॉट अ पर्सनलाइज्ड टच. फौज में फॉर एग्जाम्पल अगर बैठे हो, चिट्ठी घर पहुंचती है, उसको 10 बार पढ़ते हैं, बच्चे की चिट्ठी आई है ना, फोन शायद नहीं मिलता है, बहुत सारी लोकेशन आज की तारीख में भी. ये दो चीजें हैं, आप ये कर लीजिए. ठीक है, तीसरी चीज, जब आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली फ्रॉम द इंटरव्यू, सारे लोग वर्बल करते हैं. मैं 100% कैंडिडेट्स को एक एक सवाल का ना आंसर लिखवाता हूँ. अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ओके, वॉट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, है ना, टेल मी योर 3 गुड क्वालिटीज, 100% लिखवाता हूँ. इफ दे डोंट राइट व्हाट इज योर नेम, इसका भी मैं लिखवाता हूँ. यू राइट इट, माय नेम इज राजीव बैरवा. क्यों नहीं लिखा? सर वो तो मेरे को पता ही है. पता होगा, लिख के दिखाओ मेरे को. व्हेन यू राइट ना, और जब आप उसका पढ़ते हो तो आपको 100% पता होता है. अगर मन टिकता है तो आपका जवाब बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू है. बट अगर आपका जवाब आप खुद कन्विंस नहीं हो कि यार इसमें फ्लो भी नहीं आ रहा, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, तो मैं झूठ भी छेप में, आपको खुद बता देगा आपका दिल यार क्यों सट्टे मार रहा है भाई, तुमने लिखा है मैं हार्ड कोर डिसिप्लिनर. सो लिखने के लिए 3 चीजें आपको करनी चाहिए. सेकेंड इज स्पीकिंग, लिखने के बाद रीडिंग, पढ़ना. पढ़ने में 2-3 तरीके हैं जो बड़े इफेक्टिव हैं. नंबर 1, आपको हर रोज एक पेज कम से कम पढ़ना चाहिए लाउड एंड क्लियर. शीशे के सामने खड़े होकर के, शीशे के सामने, अब ये नहीं कि नीचे तौलिया बांधा हुआ ऊपर टीचर के पढ़ रहा हूँ, दैट इज नॉट द वे. आपने जिस हालत में लड़ाई में उतरना है उसी तरह से तैयार होकर के उस ड्रेस में शीशे के सामने 5 मिनट खड़े होकर के आप जोर से पढ़िए. मेरी तरह से आप चंपक उठा लो, नोटबुक उठा लो, है ना, 5th क्लास की बुक उठा लो, कोई 10 साल पुराना अखबार उठा लो, जस्ट रीड समथिंग. लुक इन द मिरर, आपको दिखाई देगा कि यार मैं सही खड़ा हूँ, मेरा पेट अंदर की तरफ है बिल्कुल, है ना, बाहर नहीं निकला हुआ, नॉट मेरा सही है बिल्कुल, आई लुक कॉन्फिडेंट, है ना, मेरा हेयर कट ठीक है, बाल टेढ़े मेढ़े नहीं जा रहे हैं ना, पूरा रियलिटी चेक होता है. एंड देन यू रीड लाउड एंड क्लियर फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि एज पर द न्यूज गिवन ऑन डे 21st, दिस इज द रिपोर्ट फ्रॉम वन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट. रीड लाउड एंड क्लियर, आपका हौसला बढ़ेगा. शुरू में हो सकता है दिक्कत आएगी, घर वाले बोलेंगे क्या दिमाग खराब हो गया, क्यों जो क्यों चिल्ला रहे हो, नमूने की तरह रोज शीशे के सामने खड़े होकर बोल दो, कोई बात नहीं, ऑफिसर इज इन मेकिंग, तैयारी चल रही है, घबराओ मत. ठीक है, थोड़ा हौसला बढ़ेगा उससे. एंड उसके बाद में फिर थोड़ा और हौसला बढ़ाओ, बाहर आ जाओ गार्डन में, पड़ोसी देखे दीवार से, यार पता नहीं रोज लड़का खड़ा होकर कुछ अलग से इंग्लिश में बोलता है, मंत्रा बोलो यार खुल करके, देखने दो लोगों को. ठीक है, बट बोलना चाहिए, जोर से पढ़ना चाहिए शीशे के सामने, मिरर प्रैक्टिस इज अ मस्ट, नंबर 1. दूसरा पब्लिक स्पीकिंग. बोलना एक होता है इंटरव्यू में, आप सामने बैठे हुए 10 कदम की दूरी पे, दैट इज वन एस्पेक्ट, आप आराम से चेयर पे बैठे हैं, नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू, या खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं एसएसबी में. और दूसरा है पब्लिक के बीच में ग्रुप डिस्कशन, इट इज एप्लीकेबल इन सिविल सर्विसेज एज वेल एज इन एसएसबी. 10 लोगों के 20 लोगों के बीच में जब बोलना पड़ता है तो बहुत लोग दिक्कत महसूस करते हैं, तो इसके लिए खुल करके मैदान में आ जाइए एंड प्लीज प्रैक्टिस फॉर पब्लिक स्पीकिंग. मैंने पहले भी बताया है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बाकी हो चाहे ना हो बट पब्लिक के मामले में वी आर नंबर 1. ठाट बात बहुत है, घर से बाहर निकल जाओ, दाएं बाएं जहां बोलो पब्लिक पब्लिक पब्लिक,
ठीक है, एक स्कूटर पे है ना बस की सवारी जा रही है, बस में ट्रेन की सवारी लोडेड होती है, पब्लिक की कोई कमी नहीं है, जहां पे हो वहां पे कोशिश करो खुल के मैदान में आ जाओ। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू योर ऑफिस बाय बस, बस में खड़े जाओ, दे डालो एक मिनट का लेक्चरेट। ट्रेन से सफर कर रहे हो, चार लोग इधर बैठे हैं, पैसेंजर दो साइड में बैठे हैं, छह सामने बैठे हैं, खड़े हो जाओ, कोई सुने चाहे ना सुने, बट लुक इनटू देयर आईज एंड डिलीवर अ लेक्चर, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन स्वच्छता अभियान, ठीक है, और द करंट मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन रेलवे। दे दो एक लेक्चर, लोग बोलेंगे जी तबियत ठीक है आपकी, बोला सर तबियत ठीक है, थोड़ा घबराता हूं मैं बोलने में, इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं सर, प्रैक्टिस कर रहा हूं सर मैं। आप देखो कितने लोग आपका हाथ मजबूत करते हैं, बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, शाबाश, आप पक्का कामयाब हो गए। चार लोगों को आप जाके कहानी सुनाएंगे, एंड इफ यू स्टिल डोंट बिलीव मी, कभी मेरी चेक करना आप अकाउंट के ऊपर, आई विल शो यू माई स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड देम एवरीवेयर प्रैक्टिसिंग। आज की तारीख में हिंदुस्तान में कहीं ढाबे पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, लाल किले पे, चलती हुई ट्रेन में अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है रात को 12 बजे 10 बजे दोपहर को, ही इज माई स्टूडेंट, छाती ठोक करके बोलता हूँ, एंड दे मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन दे गो बैक फ्रॉम ट्रेनिंग, दिस इज व्हाट आई टेल देम, भाई गेट से बाहर निकल के बाएं मुड़ोगे दाएं मुड़ोगे आई एम नॉट कमिंग विद यू, मॉरल सपोर्ट विल ऑलवेज बी देयर, बट यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। बाहर जाते हो घर पहुंचने तक जितने रेलवे स्टेशन आते हैं चेक कर लेना, 5 मिनट ट्रेन रुकती है पक्का वहां पे उतरना है, वहां उतर करके एक लेक्चर दागने जोर से, मेक ए वीडियो, शेयर इट विद मी, ठीक है। और घर पहुंचने से पहले पहले इंश्योर करना है कि जो रेलवे स्टेशन लास्ट आता है वहां पे अपना डर वर छोड़ कर जाना है, डोंट कैरी इट अलोंग विद यू, एंड पीपल डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो बोलना चाहिए, एक एग्जांपल देता हूं, एक करण है, शौर्य यू मेट करण भैया? यस सर। नहीं, हाँ, तो करण रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड, यू नो, उसको दिक्कत ये केम फ्रॉम रांची टू मीट मी हियर, किशन जी आपसे एक बार मिलना है, ओके आना तुम। मैंने करण को पब्लिक में बोला नहीं चाहता, ओके, सो मैं उसको लेके गया मार्केट में, ऑटो स्टैंड पे लेके गया, तो ऑटो रिक्शा वाले से मैंने पूछा, मेरा दोस्त कितनी पढ़ाई करी है, कहते सर पढ़ाई करता है तो ऑटो रिक्शा क्यों चलाता, मैं बात तो ठीक है तुम्हारी, मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं तुझे ऑफिसर बना दूं तो तू यहां पे खड़े होकर 3 मिनट बोल सकता है रोड पे? ऐसा अगर आप बना दोगे मैं 10 घंटे बोल दूंगा। वाह यार गुड, गजब का कॉन्फिडेंस है। फिर मैंने करण से पूछा, तो मैं करण तुम दोनों में से पढ़ा ज्यादा कौन है? कहते सर मैं फैसिलिटीज किसके पास ज्यादा है? बोला सर मेरे पास। मैं कपड़े देख तेरे कंपेयर करके किसके पास ज्यादा है? बोला मेरे पास। और मैं कॉन्फिडेंस किस में लग रहा है ज्यादा? बोला सर ऑटो रिक्शा वाले में लग रहा है, लग रहा ना। नेता को यार वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल, दो पैसे का नॉलेज नहीं है नेताजी के पास में, ठीक है, सिवाय झूठ बोलने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट इज सो वेरी पैथेटिक, बट लाखों लोगों का फद्दू बना सकता है, कहीं पे खड़े होकर कितनी देर बोल सकता है, हम ये कर देंगे, दूध की नदियां बहा देंगे, सब कुछ, और बड़ा कन्विंसिंग लगता है, यू नो व्हेन दे स्पीक, लोग सुनते हैं और फिर ताली बजाते हैं खड़े होकर के, वाह, जय भी लगाते हैं कि हमारा नेता ऐसा हो। इफ दीज वेरी जोकर्स कैन डू, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? व्हाट डू यू डू? देख लो, दो एग्जांपल तो मैं दे रहा हूं, एक ऑटो रिक्शे वाले भैया का और दूसरा नेताजी का। आप उनसे तो बेहतर ही हो हर हालत में, इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड, एजुकेशन, मोटिवेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, हो गए नहीं हो? रेज योर हैंड्स इफ यू एग्री विद मी। ओके, आई सी ओनली वन गाय है, टू, ओके, ओनली लेडीज आर रेज हैंड्स। श्योर, सो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है ना? तो आपको करना चाहिए पब्लिक प्रैक्टिस, ठीक है, ये दो चीजें बोलने के लिए, पहला मिरर प्रैक्टिस, दूसरा पब्लिक के बीच में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, उनको बिठा दो खाने से पहले, 5 मिनट बैठो, आज खाना तब नसीब होगा जब मेरा आप भैया सा एक लेक्चर सुनोगे 3 मिनट में, ठीक है। अब उनसे पूछो, वो खुद बताएंगे आपको, पहले दिन तो भाई तेरी टांगे है ना हरे राम हरे कृष्णा कर रही थी, कहां पर रही थी, बट अभी तो हफ्ते भर में थोड़ा सा है ना डर कम हुआ है, तू घबराता था, अभी स्माइल आई चेहरे पे, एंड दे विल टेल यू इन 2 वीक्स, क्या बोलता है यार तू, गुड, शाबाश। आपके परिवार वालों का भी हौसला बढ़ेगा, योर पेरेंट्स विल फील प्राउड ऑफ यू, बड़ी बच्चा जोर लगा रहा है, मेहनत साथ रही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग अकेडमी में जाके ही करेंगे। यहाँ ऐसे भी लोग आए हैं जो कहते हैं मैंने कम्युनिकेशन कोर्स ज्वाइन किया, क्या सीखा? बोले सर कुछ नहीं, वो हम आपस में बात करते थे, बेवकूफ मोहल्ले में घर नहीं कर लिया, इसके लिए उधर जाने की क्या जरूरत थी। सो अपना माहौल खुद पैदा करो, दैट इज द सेकंड थिंग, कम्युनिकेशन के लिए बोलना जरूरी है। थर्ड थिंग इज अपना रीडिंग, रीडिंग एज सच इज अ गुड हैबिट, अगर आप पढ़ोगे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आदमी बोलेगा, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, चाहे बता दे, लेकिन बात तो कर रहे हो मजबूती से, है ना। इट कम्स ओनली विद रीडिंग, एंड रीडिंग एज सच, चाहे किसी भी महकमे में जाना हो, चाहे अपने आपने पर्सनल बिजनेस करना हो, रीडिंग एज सच इज ए ग्रेट हैबिट। मैंने 3 बुक रिकमेंड की थी पहले शौर्य को, पहले उसने एक खत्म करी, फिर उसने पूछा सर दूसरा होमवर्क, दूसरी बुक, मैं ओके दूसरी खत्म करी मैं रिव्यू, फिर उसके बाद मैं तीसरी बुक मैंने उसे बताई, एंड यस्टरडे ही इज फिनिश्ड।
पहले उसने बोला सर मैंने 70 पेज पढ़ लिए, देन ही सेड सर 270 पेजेस, ही सेड कि सर मैंने खत्म कर दी किताब, इट वाज सो एब्जॉर्बिंग। मजा आया शौर्य पढ़ के तीन किताबें? बहुत आया सर, बहुत ज्यादा। व्हाट यू शुड डू इज यू शुड पास दोस बुक्स टू समवन एल्स कि बिलोंग्स टू शौर्य एंड प्रेजेंट इट टू सो एंड सो, द वन हु इज क्लोज टू यू, जस्ट पास ऑन दोस बुक्स। ठीक है, राइट सर। तीन किताबें हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूं, दो किताबें बताता हूं टू स्टार्ट विद। वन इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, एंड बाद में डिटेल्स में डाल देना शौर्य, दिस इज वन। एंड सेकंड इज ट्यूजडेज विद मॉरी बाय मिच एबम, टू ग्रेट बुक्स। कई लोग बड़े बड़े नाम लेते हैं, मैं ये बुक्स इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एक तो इसकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है ना, कई लोग इंग्लिश दिखाने के चक्कर में ऐसी अंग्रेजी लिख देते हैं कि है ना हर चार लाइन में 15 बार डिक्शनरी रेफर करनी पड़ती है, फ्लो टूटता है। These books have been written in a very simple language. You can comprehend and you can connect, and आपको मजा आएगा पढ़ने में, you know. Don't go with the names of the brand. कि इसने लिखी है, इस author ने लिखी है. Lay your hands on these books. अच्छा लगेगा, ठीक है? तो पढ़ना बहुत जरूरी है. दो तरह की किताब, again a network glitch. We lost you, sir. Wait, guys, wait. Sir, ki location jahan pe hai, wo kafi, it is a dense forest. Hota rehta hai. Hello. And third thing is, आपको पढ़ना चाहिए, academics competition या पढ़ाई के हिसाब से अलग होता है, दूसरा general awareness के हिसाब से, and तीसरा something which gives you some insight about the life and other things, you know, कि लोग क्या सोचते हैं एक चीज को लेकर के, 10 लोगों के अलग नजरिए हो सकते हैं, तो आपका perspective है ना बढ़ता है। ठीक है, मैंने कॉमिक्स से शुरुआत की थी, चंपक लोटपोट ये पढ़ पढ़ के बहुत शौक था कि ये पढ़ना और पढ़ना है। No, and I till date I always go with the size of the book. जैसे मैं मोटी किताब देखता हूँ, I lose my interest. It's typical me. मैं मोटी किताबें खराब होगी, चाहे वो है ना उसको world record बना रखा उस book ने, best seller में मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, because मेरे पास patience नहीं है. So आपने तरीका देख लीजिए, आपको book के size के हिसाब से जाते हो, और के नाम के हिसाब से जाते हो, और some particular theme. But must develop this habit of reading. Okay? ये तीन तरीके हैं, अगर आप करेंगे simple सी चीज, लिखना, पढ़ना, बोलना, जो मैंने तरीके बताए हैं, you will definitely have a better grasp on the communication skills language. हाँ शौर्य, next question is sir, how to manage extracurricular activities along with the UPSC preparation and with this sir, is it really important to be a physical fit to become an army officer? 100% army officer छोड़ दो, officer भी छोड़ दो, life में कामयाब होने के लिए physical fitness is a must. अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में बच्चा आया था घर पे, he was specially blessed child, you know, and it was very interesting. Specially blessed child है, and he told me, कहते हैं आपको पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, रुक रुक के उसने बताया, मैं you tell me, कहते हैं मुझे अपनी शॉप खोलनी है आइसक्रीम पाउडर की, मैं फिर सारी आइसक्रीम तुमने बदमाशी करके खुद खा ली, तो कहते हैं नहीं मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है लेकिन लोगों को पसंद है, तो जब वो खाते हैं खुश होते हैं, मुझे अच्छा लगता है, you know? And उसकी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, and he's still not given up. Physically बहुत काम करता है वो, अनुराग इज अनदर एग्जाम्पल, हर फोरम में देता हूं मैं एग्जाम्पल्स, you know? And तीसरा उसके बाद में राघव है, who recently came in my contact, just been about a month. Had a spinal injury, swimming pool में कूदा, 17 साल का है, doctors and AMs and everyone said कि तुम भैया जिंदगी भर पैरालाइज हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। कहते सर क्या कर सकता हूं मैं, मैंने कहा पहले तो डॉक्टर को तलाक दे दे, ठीक है, एनी डॉक्टर हु ब्रेक्स योर होप इज नॉट वेरी गुड डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर वो है जो उम्मीद काम पे अपना काम करता है, नहीं हो सकता करके इज सर्टेनली नॉट अ गुड डॉक्टर, इज जस्ट अ ब्लडी डॉक्टर। बातचीत हुई से कुछ मैंने तरीके से बताया कि मैं ये करना है वगैरह वगैरह, उसे बताया, उसने पूरी ईमानदारी से किया, 30 days चलो 2 सेकंड खड़ा होकर दिखाया, पापा वीडियो बनाना, पापा वीडियो बनाओ, उसने 2 सेकंड खड़ा होकर दिखाया। नाउ ही सेज, अब हमारा ये है दोनों का, वो कहता है सर जब थोड़ा मोटिवेशन डाउन जाएगा आई विल कॉल यू, मुझे आज मोटिवेशन की जरूरत है, अरे तुझसे तो मैं मोटिवेट होता हूँ, एनी टाइम यू कैन कॉल, तो उसको ग्रीन एक्सेस है मेरे पास में।
ये तय हुए कि भैया खड़ा हुआ है, बाद में चलने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में मेरे साथ में उसे ठीक है, दैट इज द लेवल ऑफ दिस थिंग। जो आदमी फिजिकली एंड मेंटली फिट ना यार, वो लाइफ में हर जगह कामयाब है। ये छोटे मोटे सर एग्जाम प्रेशर आ रहा है सर, लूज मोशन, मैंने लोगों को लूज मोशन एक्चुअल में लेते हुए देखा है। थोड़ा सा प्रेशर आता है तो है ना पूरा इम्यून सिस्टम हिल जाता है, यानी बार बार वो वॉशरूम की तरफ भागता है। मैं कमाल है यार, एक एग्जाम से घबरा के लूज मोशन लग रहे हैं, गोली चल गई तो भाई फिर क्या होगा, फिर तो पैराशूट पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाएगा। इट इज गेटिंग बियॉन्ड कंट्रोल देयर। सो फिजिकली फिट रखो अपने आप को। जो आदमी अपने, देखो मैं इसको कैसे देखता हूं, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल फिटनेस, इज अबाउट सिक्स पैक्स और समथिंग, है ना। आपका शरीर है, मैंने स्टूडेंट्स कैसे कैसे देखे हैं। अभी एक आदमी है जो 1.25 लाख रुपए पे करता है, किसको, डाइटिशियन को। मुझसे पूछा, मैंने पेरेंट्स को भी बताया, उसको बताया, मैंने कहा आई कैन ओनली पिटी यू भाई, तुम्हारा खुद का अपना शरीर है, बट सम ब्लडी कद्दू इज टेलिंग यू व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। कितनी बुरी हालत है तुम्हारी, इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है। तुम्हें ये भी कोई दूसरा बता रहा है कि ये खाना है, ये नहीं खाना, ये 200 ग्राम खाना है, 600 ग्राम। और भाई मेरा मन करेगा मैं 6 केजी खाऊंगा, कौन रोकेगा मुझे। बट देन इट इज नॉट फॉर फ्री, आई विल अर्न इट, मैं अपने आप को रगड़ूंगा उतना। सिर्फ ये खा करके मुझे ना गणपति नहीं बनना, यू नो। तो यू नीड टू अर्न एवरीथिंग। फिजिकली फिट रखोगे, अदरवाइज फिजिकली फिट नहीं दिखता तो आदमी कपड़े पहनता है तो खुद का कॉन्फिडेंस चला जाता है, दूसरा आदमी भी आपको पसंद नहीं करता है। ठीक है, फिर बोलोगे सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे बताओ कितने लोग हैं ऐसे तुम में से जो कहते हैं सर मैं तो जो है ना 150 केजी का सर उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी या सर गर्लफ्रेंड भी बना लूंगा। नहीं, आपको खुद क्यों शर्माएगी। ठीक है, वजन बढ़ाने में जोर नहीं लगता, कम करने में बहुत जोर लगता है, है ना। आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सब चीज हिल जाती है। प्लीज वर्क अपॉन योर सेल्फ। दाढ़ी है नहीं रखी हुई है, पैची सी उल्टी सीधी रखी हुई है, भाई रोज शेव करने में, वो करने में मेहनत लगती है, यू नो। इट इज इंडिकेटर ऑफ गुड डिसिप्लिन और पुअर डिसिप्लिन। बहुत कुछ पता लगता है, आपने कंघी कैसे करी हुई है, कपड़े कैसे पहने हुए, फिजिकली फिट है कि नहीं आदमी। फिजिकली फिटनेस बहुत नहायत ही जरूरी है, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस एंड मोर ऑफ ए मेंटल फिटनेस। मेंटली जो आदमी फिट है, जो फिजिकली फिट है, वो आदमी कभी हार नहीं मानेगा यार। आप सोशल मीडिया पे देख लो, अपने आसपास देखो कितने लोग हैं। ठीक है, कल मैं देख रहा था एक बच्चा है हु इज स्पेशली ब्लेस्ड एंड बिलो वेस्ट ही कैन नॉट वॉक, बट वो भी जोमेटो में काम करता है, गेट्स फ्रॉम हिज बाइक, जाता है चल के मुश्किल से, बट ही डिलीवर्स ए पैकेज, मेहनत कमा के खाता है। दैट इज द पावर ऑफ यू नो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। सो प्लीज टेक इंटरेस्ट इन योरसेल्फ। फिजिकली जो आदमी फिट नहीं है, सीधा साधा इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ओन सेल्फ। और जो आदमी खुद में इंटरेस्टेड नहीं है, वो और दूसरे में क्या इंटरेस्ट लेगा, क्या जिम्मेदारी उठाएगा। जिसकी जिम्मेदारी खुद अपनी तरफ इतनी कमजोर है, ही इज एब्सोल्युटली डिजास्टर, ए टोटल ब्रांडेड फेलियर फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गॉट सर, सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है? शंकराचार्य के कथन जगत मिथ्या के परिपेक्ष में क्या वे कार्य जो हम इस संसार में करते हैं या कर रहे हैं उनका कोई औचित्य है? ओके ओके, हिंदी अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये है कि भैया आप जो कर रहे हो उसका आगे क्या होगा, है दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या फायदा है सब करने का, यही से बता रहा है ना, है शौर्य? यही कहना चाह रहा है ना। अभी मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी, जिंदगी की किताब ज्यादा पढ़ी है। अब शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, लोगों ने उसको क्या समझा है, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है व्हेन इट कम्स टू सर्विस इट हैज टू बी सेल्फलेस। ठीक है, अगर आप सेल्फिश होकर के कर रहे हो सर्विस, देन प्लीज डोंट ब्रांड इट एज अ सर्विस। ठीक है, ये ना सफलता मिलेगी आगे क्या होगा यार, मैं क्या सोच करता हूँ तो सिर्फ दो कारण से करता हूँ। पहला ये कि रात को जब सोना होता है यार, नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली के लिए थी, चाहे मेरी कम्युनिटी के लिए थी, और टुवर्ड माय कंट्री और वट एवर कैपेसिटी। ठीक है, सक्सेस है, सक्सेस की भी है ना कोई डेफिनेशन नहीं, इफ यू गो टू गूगल इट विल टेल यू सो मेनी थिंग्स, बट सक्सेस की अपनी ना तो कोई शेप है ना उसकी कोई डेफिनेशन है। No one in the world can define success for you. Every person, you yourself only can define success parameters for yourself. एक आदमी है जिसके लिए सक्सेस है दिन में तीन रोटी का जुगाड़ करना अपने लिए और अपने परिवार के लिए। दूसरा आदमी है उसके लिए सक्सेसफुल है कि भैया आज मैंने गर्लफ्रेंड बनाई लेनी है, उसका एम ही बितना है लाइफ में। तीसरा आदमी है उसका ये कि यार मुझे रिटर्न क्लियर करना है बस, वो लाइफ में उससे ज्यादा नहीं सोचता। चौथा आदमी कहता है यार मुझे रिटर्न भी क्लियर करना है, मुझे SSB भी क्लियर करना है, मेरिट में भी आना है, और मेरे को ट्रेनिंग में भी सबसे अच्छा करना है। You know? हर आदमी के मायने अपने हैं। कोई कहता है मैं पैसा सबसे ज्यादा कमाऊंगा, इस बार मैंने 1 crore का टारगेट करना है, कंपनी का रेवेन्यू इतना लेकर के आना है,
हर आदमी के डेफिनेशन के मायने और पैरामीटर्स अपने आप में अलग हैं। मेरा डेफिनेशन का पैरामीटर बड़ा सिंपल सा है, जो मैंने बताया सक्सेस के मायने मेरे लिए ये है कि रात को मुझे नींद अच्छी आनी चाहिए, कि मैंने काम मजबूती से किया, ईमानदारी से किया और कोई गलत काम नहीं किया, दैट इज वन। एंड सेकेंड थिंग इज सक्सेस का मतलब है कि ना आई शुड बी एबल टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी फ्रॉम वेयर आई हैव कम। मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है पर्सनल फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे, इफ आई कांट पास इट टू समवन एल्स देन आई कंसीडर एज ए फेलियर। लाइफ में मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा है, मैं बड़ा फिजिकली फिट हूँ, अपने आप को कमांडो चाहता हूँ, बट चार मैंने कमांडो पैदा नहीं किए थे, फिर क्या घंटा सक्सेस मैंने अचीव करी। यू नो मैं अपना टैग लेके घूम रहा हूँ, आई एम आयरन मैन, आई एम ब्रूस ली, आई एम चूस ली, व्हाटएवर यार, तुम अपने आप को बोलते हो मैं नंबर वन ये हूँ। भाई मैं बोल रहा हूँ तुमने कितने नंबर वन पैदा किए। मुझे पता उस समय रैंकिंग आती थी ना, मैं कभी बॉदर किया देखने का, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि मैंने भैया आया था, मैंने फौज से बाहर आने का भी ये रीजन दिया, मैं अपने जैसे कई पैदा कर दूंगा, और मैंने बतेरे कर दिए। पिछले चार दिन में भी इतने सिलेक्शन हैं, बट मैंने अभी तक उनकी ना वीडियो डाली है ना फोटो डाली है, बिकॉज मुझे लगता है जब मेरा मन करता है तब मैं डाल देता हूँ, नहीं तो आने के साथ साथ ना चिपका दो, इधर फोटो चिपका दो, उधर फोटो चिपका दो। कई बार कहते सर आप मेरी फोटो नहीं डाली सर अभी तक, मैं डालूंगा अपने टाइम से डालूंगा, ठीक है, मैं कुछ सोच रहा हूँ तेरे बारे में फिर लिखूंगा। सो यार सक्सेस के अपने अपने मायने हैं, मेरे लिए कि नींद अच्छी आनी चाहिए, और जो आपको आता है यू शुड बी एबल टू पास इट ऑन टू अदर्स। आपने पैसा कमा लिया, चलो नंबर वन बन गए, बट आपने चार लोगों को ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, ठीक है, तो क्या फायदा अगर चार लोगों को सिखाओ। मैं लोगों को बोलता हूँ देखो यार पैसा कमाना मुझे नहीं आता, मैं फिर भी आपको ये सिखा दूंगा कि पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं, एक मेहनत और दूसरा ईमानदारी, वो सिखा दूंगा। सो आप अगर खुद पैसा कमा सकते हो चार लोगों को सिखाओ। आपने अगर एग्जाम टॉप किया प्लीज टेल अदर्स ऑल्सो एग्जाम टॉप करने का तरीका ऐसे है, ठीक है। एंड सर्विस पे जब भी बात आती है ना, इट हैज टू बी सेल्फलेस इन एनी फॉर्म, एज ए टीचर, एज ए बिजनेसमैन, ठीक है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट। अगर आप सेल्फिश होकर के कर रहे हो सर्विस, के आगे क्या सोचेंगे, मेरे पोस्टर लगेंगे नहीं लगेंगे, गिनीज बुक में मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, मुझे भारत रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर क्या आप सर्विस कर रहे हो। योर स्टार्ट टेक अ पॉइंट वॉज इट सेल्फ वेरी वीक एंड यू हैव बीन डैम सेल्फिश नंबर वन। दैट्स माई कॉल। हाँ श्योर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्विसेज और राजनीति दोनों को यदि एक योग्य व्यक्ति मिलता है तो वह समाज की समस्याओं का निदान कर सकता है। ऐसे में एक व्यक्ति जो समाज में व्यापक परिवर्तन देखना चाहता है उसे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, सिविल सर्विसेज या राजनीति? ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, गुड। ओके तरीके दोनों सही है, पॉलिटिक्स भी अच्छा है और सिविल सर्विसेज भी अच्छा है। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा इट इज नॉट मैन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज द मैन बिहाइंड अ वेपन व्हिच मेक्स अ डिफरेंस, हु मेक्स अ डिफरेंस। सेम तरीके से ऑफिसर में दम नहीं होता, इट इज रैंक, जब आती है ना लोग बोलते हैं रैंक, भाई एक रैंक में चार हवलदार भी हो सकते हैं, चार जीसीओस भी हो सकते हैं, चार कप्तान और चार कर्नल। इट इज नॉट द रैंक हु ऑनर्स अ पर्सन, इट इज द पर्सन हु हैज टू अपहोल्ड द ऑनर ऑफ दैट रैंक। तो तरीके दोनों ठीक है। लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स गंदी है, तो पॉलिटिक्स गंदी है तो ठीक है, किसने रोका, आप आओ पॉलिटिक्स में हिस्सा लो, करो सफाई, पॉलिटिक्स को अच्छी शेप दो, बट वो कोई नहीं करना चाहता। वोट देना है धार आदमी कहता है मेरा राइट है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। वोट देना हमारा हक है, बट हक का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कोई नहीं देखता। मैं सोचता हूं दोनों तरीके ठीक है। देखो दोनों ऐसी एजेंसीज हैं, पॉलिटिक्स में आते हो अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो यू कैन ब्रिंग ए बड़ी मैसिव चेंज, यू नो बहुत बड़े मतलब वर्ग में आप एक फर्क डाल सकते हो अगर एक अच्छा राजनेता बनते हो। आई विल नॉट से राजनेता, नॉट ए पॉलिटिशियन बट ए लीडर, है ना, दोनों में फर्क है। अदर कॉन्फिडेंस पॉलिटिशियन बोलते ही चला जाता है, तो आई विल प्रेफर टू कॉल इट ए लीडर। तो राजनीति में आना चाहते हो आओ पकाओ, पॉलिटिक्स में बट ट्राई टू बिकम ए लीडर नॉट ए पॉलिटिशियन, यू नो। लीडर बनने की कोशिश करो, एक अच्छा लीडर बनोगे तो यार आप दुनिया भर का चेंज कर सकते हो। आपके पास में है ना टाइम होता है, 5 साल 3 साल, आप जो करना चाहो कर सकते हो। एक आदमी अगर अच्छी सोच के साथ में काम करे बहुत अच्छे चेंजेस ला सकता है। इसी तरह से सिविल सर्विसेज में इफ यू वांट टू ब्रिंग ए चेंज, तो इसलिए नहीं होना चाहिए सर मुझे यूनिफॉर्म अच्छी लगती है सर, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आई विल बी एबल टू गिव ए, है ना, ग्रेट वैल्यू टू माई फैमिली। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो तो पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि इट इज अ जॉब ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि नेताजी की गाड़ी का दरवाजा खोल दिया या नेताजी को सलूट मार दिया कड़क, यू नो इट इज मच बियॉन्ड दैट। हाउ यू कैन ब्रिंग, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग ए चेंज इन द सिस्टम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। सो तरीके दोनों ठीक है शौर्य, आप पॉलिटिशियन बनके भी आप है ना कुछ नहीं कर सकते, बट एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश करो पॉलिटिक्स में जाकर एंड ट्राई टू ब्रिंग गुड चेंज।
एंड अगर सिविल सर्विसेज में बनते हो तो विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाओ, ठीक है, काम करो। आपका जो भी दायरा है नियमित, हो सकता है सिविल सर्विसेज है ना एक जिले के अंदर या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फर्क डाल सकता हो, पॉलिटिशियन की हो सकता है रीच ज्यादा है, जो भी आपका डोमेन है ना आपने करना है। फौज में कई बार मैं देखता था मेरे साथ वाले दूसरे लोगों को बात करते हुए, वो कह यार सीईओ करता है सब कुछ, तो ना अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कैप्टन हूँ। अरे कैप्टन हो सो व्हाट, यू आर स्टिल अ कंपनी कमांडर, आपके पास में 112 आदमी दे रखे हैं आपकी मुट्ठी में, आप 112 लोगों की जिंदगी में तो डाल सकते हो फर्क, या वेट करोगे जब कर्नल बनूंगा तभी मैं क्रांति लाऊंगा बॉल्स। अरे एज ए कैप्टन यू वीक है ना, कर्नल बनके क्या घंटा उखाड़ लोगे आप, तब भी कुछ नहीं करोगे, फिर बोलोगे मैं ब्रिगेड बनके कुछ क्रांति लाऊंगा, फिर बोलोगे जनरल बनके, फिर बोलोगे सीडीएस बनके कुछ क्रांति लाऊंगा। योर जॉब स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन, ठीक है, सिविल सर्विसेज में आना है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अच्छा रास्ता चुनना है, तो पहले घर पे रिस्पॉन्सिबल बनके दिखाओ, टाइम पे उठो, घर के चार काम करो, ठीक है, अपना कंडक्ट अच्छा दिखाओ। ये नहीं कि सर एक बार यूनिफॉर्म लग जाए, ट्रेनिंग हो जाए, फिर मैं कुछ अच्छा बनके दिखाऊंगा। अरे आज की तारीख में बनो ना, रास्ते दोनों ठीक है मेरे हिसाब से, शौर्य कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ता चाहे जो भी चुन लो, काम करने का तरीका है उसमें फर्क पड़ता है। पॉलिटिशियन बन गए काम कुछ दो पैसे का नहीं करा, क्या फायदा। सिविल सर्वेंट बन गए बट आप सिर्फ चापलूसी करते रहे, काम आपने कुछ नहीं किया, क्या फायदा। दोनों में से कुछ भी बन जाओ, तरीका तुम्हारा ठीक होना चाहिए काम करने का, वन कैन डेफिनेटली ब्रिंग ए डिफरेंस, अ गुड डिफरेंस। ठीक है, हु इज अ लीडर? हां, हु इज अ लीडर? हु इज अ लीडर? यार करने पे आ जाओ, मानने पे आ जाओ, तो है ना एवरीबॉडी इज अ लीडर, आई कंसीडर मायसेल्फ अ लीडर। जरूरत ना पड़े यू नो इतने बजे यहां पे चाहिए सारा काम, विलिंगली वॉलंटियरली मास ग्रुप ऑफ पीपल शुड फॉलो यू, ये ना ये आदमी कहता है फॉर ए कॉमन एम, एक कॉमन काम है ये करना है, फिर चाहे वो लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो कि भाई झंडा यहां लहराना है, 120 आदमी तुम्हारे पीछे, एक आदमी ने कदम लगाया तो लोग जान की परवाह ना करके आपके पीछे आ रहे हैं, बोला भाई कमांडर, दैट इज लीडरशिप एंड इट कम्स फ्रॉम हियर, यू नो, बोल करके रैंक का दिखा करके या अपने वजूद का असर डाल करके आदमी बोले काम कराना है तो ठीक है, बड़े साहब ने बोला है, साहब ने बोला कर ही लेते हैं लोग, मजबूरी है, यू नो, दैट इज नॉट लीडरशिप। ठीक है, दैट इज नॉट डिक्टेटरशिप, लीडरशिप इज इन वेरियस फॉर्म्स, लीडरशिप वो है जहां खुश होकर के वॉलंटियरली आदमी काम करे, दैट इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। जानवरों को देखो यार, मैं एग्जाम्पल देता हूं, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, वन सेकेंड। जानवरों में कभी भी देखना, टेक एग्जाम्पल ऑफ वुल्फ, ठीक है, टेक एग्जाम्पल ऑफ एलिफेंट्स, टेक एग्जाम्पल ऑफ लॉयन, जो ग्रुप में काम करते हैं आप देखना, एक होता है उनका सेनापति, हाथी हो चाहे शेर हो, जब आगे चल रहा था ना सारे मस्त होकर उसके पीछे चल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। डायनामिक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, आंख बंद करके उसके पीछे चलते हैं लोग कि भैया बॉस इधर जा रहा है यहां पे जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू टीम वर्क लीडरशिप एंड समथिंग, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉम द पैक ऑफ वुल्फ्स, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, राइट सर। व्हाट एल्स सर? नेक्स्ट सर, किसी भी कार्य सॉरी सर, किसी भी सफलता को हासिल करने में सबसे आवश्यक है फोकस, इसे कैसे मजबूत करें? फोकस, ओके, अगेन करना तो आपने ही है, मैं सिर्फ बता दूंगा, बट अगेन बात आएगी स्क्रीन के दूसरी तरफ, सुनेंगे सारे स्क्रीन पे जो भी मैं बता रहा हूं, बट इसमें से ना वो दो लोग बहुत शिद्दत से काम करेंगे, ठीक है, चार लोग सुनेंगे बोलेंगे बात करेंगे बोले यार क्या सही बात बोली सर ने, यार मजा आ गया, बट वो मजे में ही छोड़ देगा, ठीक है, तीन लोग बोले ठीक है यार ये तो मेरे को पता ही था, कोई खास चीज नहीं बताई सर ने, है ना, और चार पांच होंगे जो मतलब टकराने में नहीं, वो यहीं से टकरा के ऊपर से निकल करके डायवर्शन लेके चली जाएगी मेरी बात। सो बता मैं देता हूं फोकस के लिए क्या करना चाहिए, बाकी करना नहीं करना, डिफरेंस विल कम एट योर एंड। फोकस के लिए ना लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कोई कहता है मेडिटेशन करना चाहिए, कोई कहता है ये करना चाहिए, कोई कहता है नहीं यार माहौल बनाना चाहिए, सब कुछ आपके हाथ में है। नंबर वन, अपनी चीजों को सिंपल रखो लाइफ को, ठीक है, डोंट कॉम्प्लिकेट, उसकी भी तैयारी कर रहा हूं, मैंने ये सर्टिफिकेशन भी अप्लाई कर दिया, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, 50 चीजें एक टाइम पे नहीं कर सकते, यू आर नॉट रावण जिसके 10 हाथ हैं, ठीक है, यू डोंट हैव 10 पेयर ऑफ हैंड्स, नीदर 10 हेड्स, यू गॉट वन हेड, वन पेयर ऑफ लेग्स, वन पेयर ऑफ दिस थिंग। सो अपनी काबिलियत और जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्लीज हैव ए सिंपल टू डू लिस्ट कि मुझे ये चीजें अचीव करनी है, इन टाइम फ्रेम एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से लिस्ट बनाइए कि अगले 6 महीने में मुझे 2 एग्जाम पक्का क्लियर करने हैं, अगले 1 साल के अंदर मुझे जॉब और साथ में ये वाला एग्जाम 100% अपना एम पूरा करना है,
और मेरा इंटरेस्ट है कुछ चीजें मैं एडिशनल ये करना चाहता हूँ, बट डोंट ओवरलोड योरसेल्फ। एक घंटा ना मैं अभी ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, लैंग्वेज भी सीख लूंगा। कीप सिंपल टू डू लिस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट एज पर द टाइम अवेलेबल विद यू, एंड प्लीज सेग्रीगेट इट, प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटी वन, इन नेक्स्ट वन मंथ आई हैव टू डू दिस, 10 केजी वजन कम करना है, पढ़ाई ये करना है, इसलिए करना है, एंड डिफरेंशिएट व्हाटएवर यू वांट टू डू। प्रायोरिटी टू, मुझे ये करना है। प्रायोरिटी थ्री, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, मुझे जिम भी जाना है, मुझे है ना डांस क्लासेस भी अटेंड करनी है, मुझे वो भी करना है। जब आपको पता है एग्जाम के लिए भी आपके पास में गिनती के दिन रह गए, 24 को एग्जाम है और उसके बाद में 16 को फिर दोबारा एग्जाम है। सो प्रायोरिटी वन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए इस समय। जिम कैन टेक ए बैक सीट, डांस क्लासेस ऑल्सो कैन, आप भूल नहीं जाओगे, ठीक है, या फिर एक घंटे से उसको है ना 15 मिनट या आधे घंटे भी कर सकते हो। सो प्रायोरिटाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, और वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। चीज लिस्ट सिंपल रखो टू डू की, प्रायोरिटाइज करो, एंड प्रायोरिटाइज करने के बाद में टाइम मैनेजमेंट शुड बी गुड, ठीक है। मौसम के हिसाब से देखो, आपको खुद सिखाता है मौसम कि भाई एक टाइम आता है जब पत्ते पूरे गिर जाते हैं, एक टाइम आता है नई लीव्स आती हैं, फिर एक आता है पूरे फ्रूट्स वगैरह भी लगे होते हैं, तो पेट भी उतना वजन ले लेता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना चाहिए एंड सेग्रीगेट, कीप थिंग सिंपल। नाउ मोर इंपॉर्टेंट इज, अपना कुछ चीजें जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। नंबर वन इज टाइम वेस्टर्स, 8 घंटे 9 घंटे स्क्रीन पे लगाते हो, समझदारी नहीं है। 15 मिनट है किताब पे है, अगर आप पढ़ोगे तो आपने कम्युनिकेशन का पूछा था, आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होती है, आप कुछ नोट्स बनाते हो तो राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती है। लेकिन आप जाकर के वो 1.5 घंटे का एक वीडियो देखते हो जस्ट बिकॉज है ना, या तो कोई है ना भाई फौजी ऑफिसर साहब बोल रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, या फिर है ना कोई ब्रांड है वो बोल रहा है आज हम आपको बताएंगे कि ये कैसे करना है, अच्छा आप बताओगे इतना जोर लगा के, खुद बड़ी फेलियर हो, खुद लाइफ में अचीव हुआ नहीं है, लेकिन वो आपको 1.5 घंटे ज्ञान देगा। इडियट विल नेवर टेल यू कि डोंट वेस्ट टाइम हियर, इट इज जस्ट 15 मिनट्स। आप पढ़ोगे तो आप 1.5 घंटे के अंदर उसको 15 बार पढ़ सकते हो, 15 बार पढ़ोगे तो 100% याद हो जाएगा। जब 1.5 घंटे सुनते हो सिर्फ उसमें एक रिव्यू लिखते हो या हार्ट बना देते हो कि ये मुझे बड़ा पसंद आया, अब पूछूंगा तो आप अपने शब्दों में ना बयान भी नहीं कर पाओगे कि क्या सुना आपने 15 मिनट, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे, आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। इतनी छोटी सी चीज है, इट इज समथिंग लाइक ना समबडी हु इज ADS, alcoholic dependency syndrome, है शराबी आदमी है, इतनी सी बोतल है और 6 फीट के आदमी पे भारी पड़ती है, तो गिवन ए चॉइस फिर तो मुझे बोतल को ही अपना दोस्त बना लेना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा मजबूत है, हिला रखा है उसे, 6 फीट के आदमी में तो दम ही नहीं है। इतना सा मोबाइल है आपके हाथ में, ठीक है, और फिर इतने कमजोर हो, आपको ये नहीं पता कि कब मेरे को इसका पॉज बटन दबाना है, कब मेरे को इसका मोबाइल डाटा ऑफ करना है। 24 घंटे जैसे ही आता, अरे यार क्या आ गया, नया दर देखते हैं, क्यों भाई, क्या डिपेंडेंसी है, क्या मजबूरी है, फिर कहां गया फिजिकली मेंटली फिट हो। आई एम द हैप्पीएस्ट गाय जिसका मोबाइल जब नहीं बज रहा होता, मैं बहुत खुश होता हूं, मैं गुड यार, दुनिया सही चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फोन बजने लगता है ना, फोन का मैं ज्यादा बच जाता हूं, ठीक है। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वेदर इट इज सोशल मीडिया, ठीक है, अदरवाइज मोबाइल और एनीथिंग। इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करो, इन्फॉर्मेशन निकालो, बट यू शुड नो फ्रॉम वेयर टू डिग आउट दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो टाइम वेस्टर में सोशल मीडिया और जो मोबाइल है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ यू कैन गेट कंट्रोल ऑफ ये छोटी सी चीज पे आप कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को तो जरूरत है, ले लो 1 घंटे के लिए, ठीक है, बट इस पर थोड़ा आप अपना डिस्ट्रैक्शन है ना कम करो, नंबर वन। नंबर टू इज एक्सपेक्टेशंस।